नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमएल गोदारा। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर। पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आई बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी सबसे पहले पा सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे FS फॉर्म के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ES फॉर्म और SC फॉर्म के बारे में, जिससे पूरी डिटेल से मैंने समझाया था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा FS फॉर्म किस काम में लिया जाता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं, कौन सी फसल पे यूज करते हैं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। FS फॉर्म के बारे में लगभग मेरे हिसाब से 50% किसानों को पता ही नहीं होता है कि FS फॉर्म का स्प्रे होता है या क्या होता है। मेरे हिसाब से इस फॉर्म का स्प्रे नहीं होता है। तो वो सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल सके, आधा अधूरा ज्ञान न रखें, पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक का FS फार्म। उदाहरण के तौर पर समझाए तो थायोमैक्सोम 30% FS, ये तो आपने बाजार में बहुत ही देखा होगा। तो ध्यान से वीडियो देखना और सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लगभग इस फार्म के बारे में आज तक आपने किसी को भी नहीं बताया होगा कि ये किस काम आता है। तो चलो शुरू करें। इसका पूरा नाम है फ्लोवेबल कंसंट्रेशन। ये SC फार्म का एक, आप इसे नया रूप भी बोल सकते हो, वो SC फार्म का नया रूप बनाते हैं। इसके अंदर और कुछ सुधार भी किया गया है, काफ़ी किसान भाई इसे यूज भी कर रहे हैं। मार्केट में नया है इसलिए अभी तक लगभग 50% किसानों को अभी तक पता भी नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करें, किस चीज़ पर करें, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, इसको कभी भी किसी फसल पर स्प्रे भूल से भी ना करें, कदापि ना करें। यह फॉर्म सिर्फ बीज उपचारों के लिए ही उपयोग करें। कंपनी ने हमें ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को बीजोपचार के लिए उपयोग करें, न कि स्प्रे के लिए। फायदा नहीं होगा, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। SC और EC फॉर्म से बीज उपचार कभी ना करें, ये भी सुन लेना, क्योंकि SC और EC फॉर्म बीज उपचार करते ही बीज के ऊपर जो लेयर होती है, बीज के अंदर दवा जाते ही वो लेयर फट जाती है, जिससे वो बीज अंदर से सुरक्षित नहीं रहेगा, वो बीज खराब हो जाएगा। उस वजह से अंकुरण क्षमता भी लगभग 50% कम हो जाएगी। ऐसा कभी ना करें। FS फार्म क्या करता है? FS फार्म का हम जब बीज उपचार करते हैं तो वो बीज की ऊपरी सतह पर चिपक जाता है और बीज के अंदर नहीं जाता है। तो यही है, FS फार्म में एक बिल्कुल शहद की तरह होता है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा चलने वाला FS फार्म है। जब भी आपको बीज उपचार करना हो तो FS फार्म ही खरीदें। जैसे थायोमैक्सोम 30% FS मार्केट में बहुत सारा मिलता है। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर भी करना आगे, और बाकी सारे किसानों को भी नॉलेज मिल सके, और अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करना। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो मैं NPK फर्टिलाइज़र के बारे में विस्तार से बताऊँगा आपको। प्लीज़ अगला वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और पास में ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे आपको खेती बाड़ी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको प्रदान करूँगा, जो आप खेती करते हो, एक किसान हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही जानकारियाँ मैं अच्छी से अच्छी जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद।